हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फैलियर टू सक्सेस में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम न्यूमेटिक सस्पेंशन और एयर सस्पेंशन के बारे में समझेंगे, उसके बारे में जानेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चलिए दोस्तों, शुरू करता हूँ न्यूमेटिक सस्पेंशन। न्यूमेटिक सस्पेंशन एयर स्प्रिंग, सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं न्यूमेटिक सस्पेंशन हमारा होता क्या है। तो न्यूमेटिक सस्पेंशन इज अ सिस्टम इन विच कंप्रेस्ड एयर इज यूज्ड फॉर कुशनिंग इफेक्ट। यानी एक ऐसा सस्पेंशन सिस्टम जिसमें हम कंप्रेस्ड एयर को एज ए कुशनिंग इफेक्ट यानी स्प्रिंग की तरह से हम उसको यूज करें, इसलिए सिस्टम को हम, या इस जो न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम है इसको हम एयर स्प्रिंग सिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या यूज किया जाता है, क्यों यूज किया जाता है, तो इसको भी हम समझ लेते हैं। यहां पर मैंने आपको एक टर्म यूज किया है एयर स्प्रिंग, तो सबसे पहले हम एयर स्प्रिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज एयर स्प्रिंग? तो एयर स्प्रिंग इज अ रबर वेलो कंटेनिंग प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड एयर विथ एन इमरजेंसी रबर स्प्रिंग। यानी एयर स्प्रिंग क्या है, एक रबर का एक वेलो होता है जिसमें हमारी प्रेशराइज्ड कंप्रेस्ड एयर होती है और उसमें एक हमारी इमरजेंसी रबर स्प्रिंग भी लगी होती है। किस बात के लिए यूज करते हैं? टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बफर हाइट एंड फ्लोर हाइट इररिस्पेक्टिव ऑफ लोडिंग कंडीशन। लोड चाहे कम हो चाहे बहुत ज्यादा हो, उस दौरान जो हमारी बफर हाइट है या जो फ्लोर की हाइट है उसे अगर हमें कांस्टेंट रखना है तो उसके लिए हम एयर सस्पेंशन या एयर स्प्रिंग या न्यूमेटिक सस्पेंशन सिस्टम यूज करते हैं। इसको कहां यूज किया जाता है? तो ये सेकेंडरी सस्पेंशन, इट इज यूज्ड इन सेकेंडरी सस्पेंशन इन कोचिंग स्टॉक में, ये सेकेंडरी सस्पेंशन में इसको यूज किया जाता है। किस तरह का हमारा ये एयर स्प्रिंग होती है उसको हम डायग्राम को समझ लेते हैं। मैं आपको एक रफ स्केच इसका बना के दिखा देता हूं। ये हमने एक रफ स्केच बना लिया है अपना, जिसमें ये जो हमें पोर्शन दिख रहा है ये हमारी इमरजेंसी रबर स्प्रिंग हो गई। ये जो हमारा सेक्शन है ये हमारा हो गया इंस्टॉलेशन लीवर। लीवर हो गया, ये जो हमारा है ये हो गया लेवलिंग वाल्व विथ गाइड आर्म।
लेवलिंग वॉल्व विद गाइड आर्म हो गया, ये हमारा बोगी फ्रेम हो गया, ये फ्लोटिंग बोलस्टर हो गया हमारा, फ्लोटिंग बोलस्टर, और ये हमारी हो गई एयर स्प्रिंग बेलो, जिसमें मिनिमम 5 kg/cm² का प्रेशर हमारा होना चाहिए। ये एयर स्प्रिंग का हमने एक डायग्राम बना दिया, ये तो हमारी एयर स्प्रिंग हो गई, आपने इसके पार्ट्स को समझा। अब हम जो एयर सस्पेंशन सिस्टम है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उसको समझते हैं। मेन पार्ट ऑफ एयर सस्पेंशन सिस्टम, कौन कौन से इसके मेन पार्ट्स हैं, तो देख लीजिए। मेन पार्ट्स में हमारा एक MR मेन रिजर्वायर टैंक होता है, ₹150 कैपेसिटी है इसकी। नंबर दो होगा एयर स्प्रिंग विथ इमरजेंसी रबर स्प्रिंग, इनकी क्वांटिटी कितनी है, 4 चाहिए हमें। एक कोच की हम बात कर रहे हैं, एक कोच में जो हमारा सिस्टम यूज होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। उसके बाद हमारा लेवलिंग वॉल्व जिसे हम LV कह सकते हैं, लेवलिंग वॉल्व हो गया, इसकी भी हमें 4 क्वांटिटी चाहिए विद प्लस माइनस 2.5 डिग्री डेड वेंट रीजन। ये हमारा हो गया लेवलिंग वॉल्व नंबर 4। चौथा जो हमारा कंपोनेंट है इंस्टॉलेशन लीवर हो जाएगा, इंस्टॉलेशन लीवर, ये भी हमें 4 चाहिए। उसके बाद हमारा डुप्लेक्स चेक वॉल्व हो जाएगा, DCB जिसे बोलते हैं, ये हमारे 2 चाहिए। नंबर 6 जो हमारा कंपोनेंट हो जाएगा एयर रिजर्वायर या एडिशनल रिजर्वायर, एडिशनल रिजर्वायर फॉर एयर स्प्रिंग, ये 4 हो जाएंगे। और इनकी कैपेसिटी अलग अलग टाइप की एयर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होती है, किसी में 40 लीटर है, किसी 50 लीटर है, कहीं 60 लीटर है। तो कैप एयर फिल्टर नंबर 8 जो हमारा हो जाएगा आइसोलेटिंग कॉक, नंबर 9 जो हो जाएगा नॉन रिटर्न वाल्व NRV जिसे कहते हैं, आइसोलेटिंग कॉक IC हो गई। नंबर 10 जो हमारा हो जाएगा वायरलेस फेल्योर इंडिकेशन कम ब्रेक एप्लीकेशन, यानी WFIWA, ये हमारी एक डिवाइस है। दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको मेन पार्ट्स ऑफ एयर सस्पेंशन बताए, नेक्स्ट वीडियो में हम एयर सस्पेंशन का लाइन डायग्राम, उसकी वर्किंग को समझेंगे और उसके जो एडवांटेज हैं उसको जानेंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, पसंद आया हो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।